अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाटिका के हेयर ऑयल्स पर। आजकल ये हेयर ऑयल्स मार्केट में बहुत ज्यादा इन है और बहुत ज्यादा सेल हो रहे हैं, और अक्सर लेडीज तलाश में रहती हैं कि कौन सा अच्छा हेयर ऑयल यूज करें जिससे उनकी बालों की ग्रोथ भी अच्छी हो जाए और उनका हेयर फॉल भी कंट्रोल हो जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं वाटिका का कौन सा हेयर ऑयल किस चीज के लिए स्पेशल है, कि इनमें से कौन सा हेयर ऑयल गिरते बालों के लिए, ये बालों की रीग्रोथ के लिए, या फिर बालों को लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बेस्ट है, और आपको इनमें से कौन सा बाय करना चाहिए। बस आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, स्किप नहीं करना, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी न्यू आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वाटिका का कौन सा हेयर ऑयल किस चीज के लिए स्पेशल है, उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि आपने ये ऑयल एक वीक में कितनी बार यूज करना है और किस तरह यूज करना है जो हमें इसका अच्छा रिजल्ट मिले। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ वाटिका के जो ये हेयर ऑयल्स हैं, ये हमें टोटल दो साइजों के अंदर मिलते हैं, एक 200 ml में और एक 100 ml में। इसकी स्मॉल पैकिंग भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारे वेरिएंट एक 200 ml में आते हैं और एक 100 ml में। अगर आप चाहें तो पहले इसका छोटे वाला बाय कर लें सैंपल के तौर पर कि इसका रिजल्ट कैसा है, अगर आपको इसका रिजल्ट अच्छा लगे तो फिर आप इसका बड़े वाला बाय कर लें। और वाटिका के सारे हेयर ऑयल्स बहुत ही प्यारी फ्रेग्रेंस में आते हैं और बहुत ही प्यारी पैकिंग के अंदर आते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वाटिका के कैक्टस ऑयल की। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं और आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो आपने वाटिका का कैक्टस ऑयल बाय करना है, क्योंकि ये हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल है। और वाटिका का ये हेयर ऑयल हमें कैक्टस के साथ साथ विटामिन ए, ई और एफ के साथ भी मिलता है, जो बालों को गिरने से भी रोकता है और बालों को सॉफ्ट और स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। अब बात कर लेते हैं वाटिका के गार्लिक ऑयल की। अगर आपके बालों की ग्रोथ बहुत कम हो चुकी है या आपके बालों की ग्रोथ बिल्कुल खत्म हो चुकी है, आपके बाल बढ़ते नहीं है, लंबे नहीं होते, तो आपने वाटिका का ये वाला ऑयल बाय करना है, गार्लिक ऑयल, क्योंकि लहसुन के बालों पर वैसे भी बहुत बेनिफिट्स होते हैं और ये बालों की नेचुरल ग्रोथ को प्रमोट करता है। वाटिका का ये वाला ऑयल बालों की ग्रोथ को भी अच्छा करता है और बालों को स्ट्रॉन्ग भी करता है। और जो वाटिका का ब्लैक सीड ऑयल है जिसको हम बोलते हैं कलौंजी ऑयल, वाटिका का ये ऑयल भी बहुत जबरदस्त है, ये बालों को स्ट्रॉन्ग करता है और शाइनिंग करता है। अगर आपके बाल कमजोर है तो आपने वाटिका का ये ऑयल बाय करना है, क्योंकि बालों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्पेशल है और ये ऑयल भी हमें विटामिन ए, ई और एफ के साथ मिलता है। अब बात कर लेते हैं वाटिका के कोकोनट ऑयल पर। अगर आपके बाल बहुत कम है तो आपने वाटिका का ये ऑयल बाय करना है, क्योंकि ये आपके बालों को घना भी करता है और आपके बालों की नरिशमेंट भी करता है। और जो वाटिका का आलमंड ऑयल है, ये बालों को सॉफ्ट करता है और शाइनी बनाता है। वाटिका के सारे हेयर ऑयल्स बहुत जबरदस्त हैं और इन सबको यूज करने का तरीकेकार भी मैं आपको भी बताने वाला हूँ। और ये है वाटिका का सिकाकाई ऑयल, ये बालों को सॉफ्ट और सिल्की बनाता है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा बेरुख है तो आपने ये ऑयल बाय करना है, क्योंकि ये बालों को सॉफ्ट भी करता है और सिल्की भी करता है। ये है वाटिका का ऑलिव ऑयल, जिसको हम जैतून का तेल भी बोलते हैं, और ये भी बालों के लिए बहुत जबरदस्त और फायदेमंद है। ये आपके बालों की नरिशमेंट भी करता है और आपके बालों को प्रोटेक्ट करता है। अब बात कर लेते हैं वाटिका का सरसों ऑयल पर। सरसों ऑयल भी गिरते बालों के लिए स्पेशल होता है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं तो आप इसका या तो कैक्टस ऑयल बाय कर लें या फिर सरसों ऑयल, क्योंकि ये भी हेयर फॉल कंट्रोल होता है और सरसों का ऑयल भी हेयर फॉल को रिड्यूस करता है। ये दोनों ही ऑयल गिरते बालों के लिए स्पेशल हैं। अगर आपको गिरते बालों का प्रॉब्लम है तो आप इन दोनों में से कोई भी बाय कर सकते हैं। अब साथ ही मैं आपको इन हेयर ऑयल्स की प्राइस भी बता देता हूँ। प्राइस इसके ऊपर पीछे मेंशन होती है, बेशक आप इसका बड़े वाला बाय करें या फिर इसका स्मॉल वाला, दोनों की बैक साइड पर इसकी प्राइस मेंशन होती है। एक बार मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। जिस तरह वाटिका का ये 200 ml है, इस पर 365 rupees मेंशन है, और जो वाटिका का 100 ml है, इस पर 210 rupees रिटेल प्राइस मेंशन है। अगर आप इसका बड़े वाला बाय कर लेते हैं तो तकरीबन इसमें आपको 60 rupees की बचत होती है। और अगर साथ इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ये मैन्युफैक्चर इन पाकिस्तान है, कराची में तैयार होता है, और डाबर बहुत ही मशहूर कंपनी का ये हेयर ऑयल है। इसकी कैप पर डाबर मेंशन होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही अच्छी कंपनी है डाबर, और मार्केट में बहुत ज्यादा वाटिका के ये हेयर ऑयल सेल हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आपने इस हेयर ऑयल को एक वीक में कितनी बार यूज करना है और किस तरह यूज करना है। अगर आप चाहते हैं आपको इस हेयर ऑयल का अच्छा रिजल्ट मिले तो आपने इसको कम से कम एक हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर लगाने बालों में, और आपने बिल्कुल हल्के हाथ से इस हेयर ऑयल को अपने बालों में लगाना है कि आपके बाल भी ना टूटे और ऑयल आपके जड़ों में भी अच्छे तरीके से पहुंच जाए। और ऑयल लगाने के बाद आपने कम से कम 2 से 3 घंटे ऑयल को अपने बालों में लगे रहने देना है, उसके बाद आपने अपने बालों को वॉश करना है। या अगर आप चाहें तो आप इस हेयर ऑयल को रात को सोते हुए भी यूज कर सकते हैं। आप रात को सोते हुए ऑयल लगा लें और सुबह उठकर अच्छे तरीके से शैम्पू से वॉश कर लें बालों को। आप इसी तरह इस हेयर ऑयल को 1 month यूज करें, उसके बाद आप खुद देखेंगे अपने बालों में इस ऑयल का रिजल्ट।
अगर आप में से भी किसी ने यह हेयर ऑयल पहले यूज किया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना उसे इसका रिजल्ट कैसा लगा। अब वीडियो को करते हैं एंड और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।